आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे कचड़े का छिड़काव हो रहा था, ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से कचड़े को मार गिराया है। और यहाँ पर देख सकते हैं उड़दे बहुत बेहतर हो चुके हैं। उड़दे को आप देख सकते हैं कम से कम 1-1.5 फीट की ऊंचाई का आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी दवा डालें क्रॉस करके ही दवा डालें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से यहाँ पे कचड़े को मारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कचड़ा एक थोड़ा बहुत भी नहीं दिख रहा है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कचड़ा काफी लंबा था और बिल्कुल उड़दों के बराबर से जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से ये कचड़ा पूरी तरह से नीचे रह गया है, मर चुका है कचड़ा। यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया है। मेरा दोस्तों से कहना है कि आप जब भी दवा का इस्तेमाल करें तो क्रॉस करें, यानी दो कंपनियों को जरूर मिलाएं, भती भती कंपनियों का यूज करें। क्योंकि अगर आधा लीटर आप दूसरी कंपनी का डाल रहे हैं तो फिर दूसरी कंपनी का यूज करें। ये देखिए कचड़ा पूरी तरह से यहाँ पर मरा हुआ दिख रहा है आपको, और बहुत ही बेहतर काम किया है। उड़दे आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हो चुके हैं। आप यहाँ पर घुस के देखते हैं कम से कम 1.5 फीट की ऊंचाई से ज्यादा हो चुका है कचड़ा। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है पूरे में। आप देख सकते हैं कि कचड़ा कहीं पर भी नजर नहीं आएगा आपके उड़दे के बगैर। बहुत ही बेहतर काम किया है दवा ने। हमने आपको पिछली दवाई में बताया था कि कचड़े को मारने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर उड़दा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखिए कचड़े को हम बताते हैं बहुत ही नजदीकी से, पूरी तरह मर के नीचे रह गया है। अभी तक ये बराबर चल रहा था, उस समय पे हमने छिड़काव हो रहा था तब। बहुत ही बेहतर काम किया है। मेरा दोस्तों से कहना है कि आप जब भी दवाई के छिड़काव करें कि दो कंपनियों का यूज जरूर करें। कचड़े की दवाई को दो प्रकार से यूज करें, यानी आप कोई भी कंपनी का एक डाल रहे हैं उसमें आधा लीटर वो डालें तो आधा लीटर वो डालें, यानी घोल बनाए बेहतर तरीके से। बहुत ही बेहतर काम किया है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो को आज अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद।